हेलो दोस्त, आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का एक टाइप जो है बारी बारी से, यानी कि अल्टरनेट डे वाला। ठीक है कि अल्टरनेट में काम किया जाता है। तो चलिए प्रश्न के द्वारा ही समझिए तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो इस प्रश्न को सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करें, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे हम लोग बनाएंगे, सो आप बारीकी से सबसे पहले समझिए। ए कितना दिन में कर लेता है, तो ए आप बताइएगा कितना दिन में करता है, 10 दिन में। ठीक है, और बी कितना दिन में करता है, 15 दिन में। अब देखिए 10 और 15, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, यानी कि टोटल काम कितना है। काम तो इसमें बताया नहीं गया है, तो उस काम को जानने के लिए हम लोग 10 और 15 दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 10 और 15 दोनों के अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हम लोग का चलाएगा, 30 आएगा ना। अब देखिए करते हैं क्या, अब आपसे पूछा जाए कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो उस काम को जानने के लिए इस 10 में इस 30 में क्या करेंगे, भागा देंगे, यानी कि 10 से 30 में डिवाइड करेंगे। तो जब 10 में अगर 30 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना चलाएगा, 3। इसी तरह से बी को भी अगर हम लोग के पता करना हो कि ए बी जो करेगा एक दिन में कितना काम करेगा, ठीक है, तो 15 से जब डिवाइड कीजिएगा 30 में तो कितना चलाएगा आपका, 2। यानी इससे हम लोग पता चला कि ए एक दिन में 3 काम करता है और बी कितना काम करता है, 2 काम करता है, और टोटल काम कितना हम लोग निकाल लिए, 30। अब इसमें शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि पहला दिन कौन काम करेगा, ए, तो कितना काम करेगा, 3, और इसी तरह से बी दूसरा दिन कितना काम करेगा, तो 2, और फिर आगे देखिए तो कितना फिर करेगा, कौन करेगा उसके बाद आ जाएगा, तो ए आएगा, और ए सिर्फ कितना काम करेगा, 3 ही काम करेगा। फिर उसके बाद बी आएगा, वो भी कितना काम करेगा, 2 ही काम करेगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए इस कॉन्सेप्ट को। अब देखिए आपसे पूछा जाए कि 2 दिन में कितना काम होगा, एक दिन में 3 काम करता है और बी कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो 2 दिन में आपसे हम पूछे कि कितना काम होगा, तो आप बताइएगा 5 होगा ना, 3 और 2 5। अब समझते चलना है 5, यानी कि 5 काम करेगा कितना दिन में, 2 दिन में। ठीक है, समझते चलना है, दिन लिखना नहीं है यहाँ और काम लिखना नहीं है। ठीक है, बाद में हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए तो टोटल काम आपसे कितना है, टोटल काम है 30, तो आपसे अगर पूछा जाए 30 काम करने में कितना समय लगेगा, तो आप क्या कीजिएगा कि 2 बटा क्या हो जाएगा आपका, 5 इंटू कर दीजिएगा कितना, 30। अब इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 5 30, यानी 6 दुना कितना दिन लग गया, 12। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से इस प्रश्न को। लेकिन जो उलझने वाला प्रश्न है, जो हम लोग को अगला है, उस प्रश्न में आप हमेशा उलझिएगा, इसलिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है, जो हम लोग का सेकेंड नंबर है, और लेकिन इसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, तो इसमें तो आप देखें कि पूरा के पूरा क्या हो जाता है, डिवाइड कट जाता है, लेकिन ऐसा भी कंडीशन आएगा कि कटेगा नहीं, वहाँ आप हमेशा उलझिएगा। तो चलिए उस प्रश्न को भी आप जरूर देख के जाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले बारीकी से एक बार पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, राम एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि श्याम इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करे, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। अब देखिए कौन इसमें स्टार्ट करता ही नहीं बताया गया। जब वो नहीं बताया जाए तो आप ध्यान जब भी रखिएगा कि जब भी जो पहला व्यक्ति आएगा वही काम स्टार्ट करेगा, यानी सबसे पहले काम कौन करेगा, तो राम करेगा। अब प्रश्न के आप समझ गए। अब देखिए उसी तरह से हम लोग करेंगे राम और श्याम। तो राम कितना दिन में कर लेता है उस काम को, 8 दिन में, और श्याम कितना दिन में करता है, तो आप बताइएगा कितना दिन में, 12 दिन। अभी तो हम लोग का समय है, अब निकालेंगे हम लोग टोटल काम की, टोटल काम कितना होगा समझना है। तो टोटल काम के लिए क्या करते हैं, दोनों के हम लोग 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना हम लोग का चलाएगा, 24। तो 24 जो आया से टोटल क्या है आपका, काम आया। अब देखिए आपसे पूछा जाए कि राम एक दिन में कितना काम करेगा,
तो अब बताइएगा 8 से अगर 24 में भाग दीजिएगा तो कितना चला आएगा आपका, 3 आएगा, 3 बार में कटेगा तो 3, और 12 से अगर 24 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 2, इसमें भी यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे 2। अब देखिए काम जो है सो क्या है 24 है, समझना है थोड़ा। तो अब आपसे पूछा जाए कि एक दिन में कि सॉरी आर कितना दिन में आपको काम करेगा, यानी कि राम कितना एक दिन में काम करेगा, 3 काम, श्याम कितना काम करेगा तो 2 काम, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, वही करना है 5, 5 इक्वल टू कितना दिन हो जाएगा 2 दिन होगा ना, एक दिन और एक 2 दिन, इतना आप समझ रहे हैं। लेकिन यहां समझना है, अब देखिए 24 ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा, अब 24 जो है से 5 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, होगा कभी भी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि दो दो दिन राम और श्याम को 20 काम कराना है, कितना काम कराना है 20, और बच जाएगा काम कितना 4, क्यों 20 काम कराना है कि 5 से 20 तक डिवाइड होगा ठीक है। अगर 25 रहता तो हम लोग 25 काम कराते, अगर 27 रहता तो पर भी हम लोग के 25 ही कराना पड़ता, अगर 28 काम आता तो पर भी हम लोग के 25 काम ही कराना, अगर 30 आता तो 30 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो नहीं कराना, डायरेक्ट हम लोग के निकल जाता, यही आपको समझना है। इसलिए बारीकी से समझिए, देखिए तो 5 काम इक्वल टू कितना दिन 2 दिन, तो आप 20 काम इक्वल टू कितना दिन आप बता सकते हैं, तो 2/5 इंटू कितना कीजिएगा 20, कितना बार में कैंसिल हो जाएगा आपका 4 बार, यानी 8 दिन, यानी 20 काम करने में आपसे अगर पूछा जाता कि कितना दिन लगेगा तो 8 दिन, लेकिन टोटल जो हम लोग का काम है से कितना है 24 काम है। अब समझिए थोड़ा सा, अब ये आप समझ रहे होंगे कि पहले करता है राम उसके बाद करता है श्याम, फिर कौन करेगा काम राम और फिर करेगा श्याम। अब देखिए तो यहां तक ले दोनों के हम लोग साथ काम कराए हैं राम और श्याम को, तब ना दोनों के 3 और 2 5 जोड़ के लिखा दे। अब देखिए यहां से काम बच रहा है सिर्फ कितना 4 ठीक है, अब 4 काम में काम अगर दोनों मिलके करता तो 3 और 2 कितना हो जाता 5, और काम बच रहा है 4, तो ज्यादा दिन तो कोई कराएगा नहीं ठीक है। अब देखिए तो काम जब ज्यादा बच रहा है तो किसको लगाइएगा आप काम में, तो राम के सबसे पहले ठीक है, उसके बाद श्याम के। तो राम एक दिन में कितना काम करता है, तो राम एक दिन में आप जान रहे हैं कितना काम करेगा सिर्फ 3 करेगा ना, तो सिर्फ करेगा राम 3। अब आएगा बारिश कौन कर लिया ये 3 काम कर लिया, यहां तक दोनों मिलके कितना काम किया है 20 काम, तो 3 20 और 3 कितना हो गया 23, या भी यहां से भी आप समझ सकते हैं। तो अब काम बच रहा है कितना 1, तो 1 जो काम बचा सो कौन करेगा, तो काम 1 जो बचा सो करेगा श्याम ठीक है, और श्याम एक दिन में कितना काम करता है तो 2 काम करता है। तो अब यहां निकाल लीजिए टोटल समय, यानी कुल समय ठीक है, टोटल अगर टाइम अगर आप निकालते हैं तो कितना चलाएगा, तो ये हो गया 20 दिन सॉरी ये हो गया कितना दिन 8 दिन जो दोनों मिलके किया है ठीक है। अब देखिए राम तो लिख देना है 3/3 ऊपर काम है, और यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर में जब भी हम लोग के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जो काम बचता है, और जो बी जितना दिन में यानी कि श्याम जितना दिन में जो काम करेगा उसको हम लोग कहाँ रखेंगे नीचे, तो कितना हो जाएगा 1/ कितना हो जाएगा 2, तो देखिए इससे इस कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो 8 और 1 कितना हो गया 9, यही लिख सकते हैं 9.1/2 दिन, यानी काम जो समाप्त होगा तो कितना दिन में होगा 9.1/2 दिन, क्योंकि श्याम को क्षमता 2 काम करता है और काम है 1, तो ऊपर जो बचा है काम लिख दिए ऊपर और बटा में 2 सबके जोड़ लिए हैं ठीक है। अब डायरेक्ट इस तरीका से तो कितना आया था समझ लीजिए, यहाँ नहीं तो डाउट रह जाएगा 8 है, 1 1 ही कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना चलाएगा 1 आ जाएगा, और 1/2 कितना हो गया 2, तो 8 और 1 कितना हो गया 9 प्लस 1/2, तो इस तरीका से जब है तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, इस तरीका से भी आप कर सकते हैं अगर नहीं समझ में आया होगा तो, 9 दुना कितना हो जाएगा आपका 18 होगा ना, और 1 तो यही हो जाएगा 19/2, और 19/2 के आप लिख सकते हैं कितना 9.1/2 दिन, यानी कि इसको हम समझने के लिए डिस्कस किए। तो मेरे ख्याल से इस टाइप को इसको भी आप समझ गए होंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया डाउट रह गया तो यहीं पे जरूर कमेंट कीजिए, ताकि इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम अभी दिखाएंगे आपको और उसको भी आप सोल्व कर लीजिए तो आपको और डाउट क्लियर हो जाएगा।
तो चलिए और हम लोग देखते हैं, इसी से सेम रिलेटेड इसी से रहेगा, तो वीडियो के रोक करके आप पहले भी प्रश्न बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यार थर्ड नंबर क्वेश्चन को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले बारीकी से पढ़िए, और सेम आप सेकंड नंबर जो प्रश्न बनाए हैं उसी टाइप का है, इसलिए अगर सेकंड नंबर प्रश्न में अगर आप नहीं समझ पाए तो इसको और ध्यान से देखिएगा। तो प्रश्न जो दिया गया है, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन करें तथा ए कार्य को आरंभ करे तो सारा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी कितना दिन में समाप्त होगा, यही आपको बताना है। अब देखिए उसी तरह से हम लोग करेंगे, ए कितना दिन में करता है समझते चलना है बारीकी से, तो 7 दिन में, और बी कितना दिन में करता है 8 दिन में। तो सबसे पहले हम लोग का पता करते हैं कि टोटल जो काम आया सो कितना आया। तो देखिए दोनों के क्या करेंगे, 7 और 8 के एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका, 8 × 7 = 56 काम, यानी टोटल काम क्या चलाया 56। अब हम लोग निकालेंगे कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 7 से इसमें अगर भाग दीजिएगा 56 में तो कितना आपका चलाएगा 8, यानी कि ए जो काम करेगा एक दिन में 8 काम करेगा, और बी कितना एक दिन में काम करेगा, तो इससे इसको अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा 7, यानी बी जो काम करेगा कितना काम करेगा 7 काम करेगा। यहाँ तक तो आपको मेरे ख्याल से कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए तो एक दिन ही किया और एक दिन ए, ठीक है, एक दिन ए और एक दिन बी, तो एक दिन में कितना काम करेगा 8, और बी एक दिन में कितना काम करेगा 7। तो आपसे पूछा जाए कि 2 दिन में कितना काम होगा, तो आप बताइएगा कितना काम, तो दोनों के जोड़ दीजिए, 8 और 7 कितना हो गया 15, समझ रहे होंगे, यानी कि 15 काम करने में कितना दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है, और टोटल काम कितना है आपका 56। अब देखिए यही थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइएगा रीजनिंग वाला, अब देखना है कि 15 से कहां तक डिवाइड होगा, ठीक है, अगर पता ना चले तो इस तरीका से भी आप निकाल सकते हैं। इसको लिख लेते हैं हम लोग 45 और इसको लिख लेंगे 11, होगा ना डिवाइड 45, यानी कि 15 से हो जाएगा। इसके आगे अगर हम लोग जाएंगे तो कितना चला था 60 चला था, और काम सिर्फ कितना है 56, इसलिए 45 काम जो करेगा तो दोनों साथ में करेगा, ठीक है, एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा, एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा, यानी 45 दिन तक वही 45 जो भी हो 45 काम तक करना होगा इस रेशियो से। अब देखिए तो फिर जो काम बचेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब बच गया कितना काम बच रहा है आपका 11 काम। अब 11 काम में तो दोनों दोनों मिलके ही काम किया एक एक दिन, ठीक है, तो आप सबसे पहले 45 दिन के निकाल लीजिए, तो 45 दिन के यानी कि 45 काम को करने में कितना समय लगेगा, तो 2/2 कितना हो जाएगा 15 इंटू कर दीजिए कितना 45, इससे इसको अगर कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो 3 बार में कितना चला है आपका 6, यानी कितना दिन 45 काम करने में कितना दिन लगता 6 दिन, और टोटल काम जो हम लोग के है से कितना है 56। अभी जो काम बच रहा है सो हम लोग का कितना काम बच रहा है 11, क्योंकि 45 और 11 ऐड कीजिएगा जोड़िएगा तो कितना चलेगा 56। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा कि अब काम कौन करेगा, तो आप करेगा काम कौन करेगा ए, और ए एक दिन में कितना काम करता है 8 काम, तो 11 में से 8 अगर कर लीजिएगा काम करवा लीजिएगा ए से, तो बाकी जो काम बच जाएगा वो कौन करेगा, तो बी करेगा, बस निकाल लीजिए। तो ये टोटल अगर निकालते हैं आपकी टोटल टाइम कितना लगेगा, वही टोटल समय कितना लगेगा, तो कितना हो गया 6 दिन, इसको लिखना है 8 और 8/8, ये जो लिखते हैं हम लोग, और जो ये काम है से ऊपर लिखते हैं, और जो जितना दिन में ए करेगा उसको कहाँ हम लोग लिखते हैं नीचे लिखते हैं, ये इतना आप समझ रहे हैं। आगे देखिए इसी तरह से अब आ गया कौन के काम बी, तो कितना काम है 3, तो 3 के लिखेंगे ऊपर और बी जितना दिन में करेगा उसको हम लोग लिख लेते हैं नीचे, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा आपका, तब बच जाएगा कितना 1, होगा ना, तो 1, तो 7 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, ठीक है, तो 7 लिख लिए, और ये डायरेक्ट अभी बताएं कि इसको इस तरीका से लिखना है, तो पूर्णांक में लिख दीजिएगा 3/2 कितना चलाएगा 7 दिन, यानी कि 7 पूर्णांक 3/7 दिन में ही पूरा काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इस टाइप के प्रश्न बनाने में अब आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा,
अगर कहीं भी अगर डाउट लगे, अगर नहीं समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करके पूछा कीजिए, ताकि नेक्स्ट दिन इससे रिलेटेड एक और वीडियो बना के आपको समझाने का पूरा कोशिश करेंगे, ताकि और समझ। अभी इसमें तीन व्यक्ति वाला भी पूछा जाता है। अगर आप लोग कमेंट करके अगर नेक्स्ट अगर पार्ट अगर आप चाहते हैं तो पूछिएगा, तो अगला भी पार्ट बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।